हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग कोर। दोस्तों, आज का हमारा स्टॉक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, SBI का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। SBI में हमें बाय की एंट्री करनी है दोस्तों, और फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस है 523.75 और हमारा बाय एंट्री लेवल है 520.55। मतलब दोस्तों 3 पॉइंट ऊपर है SBI, पर आपको मंडे ट्यूसडे एक दो दिन में नीचे मिलेगा। मुझे मेरे ख्याल से मंडे को ही आपको मिलेगा ये बाय एंट्री पे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2 रुपए का पॉइंट चलेगा दोस्तों, वैसे आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। इतना पॉजिटिव चार्ट है ये, इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है कि आप ये फ्राइडे के क्लोजिंग पर भी बाय कर सकते हैं। 3 रुपए का डिफरेंस है सिर्फ, तो आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। और इसके नीचे आपको मिला तो और भी बढ़िया है दोस्तों, जितना हो सके उतना नज़दीक ले या तो भी अच्छा ही है, आपका स्टॉप लॉस उतना कम हो जाता है। तो मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद आपने को SBI में बाय की एंट्री लेनी है, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 505, और दोस्तों फर्स्ट टारगेट रहेगा 542.50 और सेकंड टारगेट रहेगा दोस्तों 565.65। दोस्तों ये दो टारगेट के लिए SBI में हमें बाय की एंट्री करनी है दोस्तों मंडे को। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं RSI पे बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, चार्ट पे आपको दिख रहा है ये जो ट्रेंड लाइन नीचे आ रही है पर RSI में ऊपर जा रही है दोस्तों, इसे बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। और ये जो ट्रेड है ये बहुत ही स्ट्रांग ट्रेड है दोस्तों, बहुत ही इसका एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो इसके फर्स्ट टारगेट आने के तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, 95% तो मैं देता हूँ ये दोस्तों। इसका फर्स्ट टारगेट की एक्यूरेसी 95% है, सेकेंड टारगेट की एक्यूरेसी भी 90% दोस्तों इसमें आ रही है दोस्तों। तो फर्स्ट टारगेट 8 से 10 दिन और सेकेंड टारगेट 10 से 15 दिन, तो 15 दिन में आपको दोनों टारगेट आपको मिल जाएंगे दोस्तों। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि बैंकिंग का जो अभी क्राइसिस चल रहा है US में, तो उसकी किधर से भी कुछ भी न्यूज़ आ जाती है तो फट से नीचे भी आता है, इसलिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें 505 का। अगर डेली टाइम फ्रेम के कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो आप इसमें से एग्जिट करना है दोस्तों। पर ये बढ़िया स्टॉक है दोस्तों, टारगेट हिट होना ही है, मुझे तो लगता है टारगेट कोई न्यूज़ आई तो भी ये टारगेट हिट होना ही है दोस्तों। 95% चांसेस फर्स्ट टारगेट के है और सेकेंड टारगेट भी आएगा दोस्तों। तो ये दो टारगेट के लिए आप SBI में बाय की एंट्री करना है दोस्तों, और आपके खुद के एनालिसिस और रिसर्च करके ट्रेड करना है दोस्तों। थैंक यू।